हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो जो है एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, और काफी टाइम बाद मैं बना रही हूँ वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी शॉप है, तो अभी बीच में करवा चौथ था, तो उसकी शॉपिंग में और करवा चौथ के चक्कर में जो है मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। और बाद में उसके बाद जो है दिवाली भी आ गया था, तो आप समझ सकते हैं कि घर में कितने सारे काम होते हैं जब भी ये फेस्टिवल आते हैं। और साल में एक बार दिवाली आती है, और दिवाली पे पूरे घर की सफाई, क्लीनिंग, ये आप समझ सकते हैं कितने सारे काम होते हैं, शॉपिंग एंड ऑल। तो इस चक्कर में जो मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट फाइनली मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाल लिया। और आज की वीडियो जो है एक स्पेशल वीडियो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फेस में जो है पिगमेंटेशन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे चैनल में मैक्सिमम लोग जो है इस टाइप के हैं, जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। मेरे सब्सक्राइबर्स मैक्सिमम ऐसे हैं जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा पिगमेंटेशन के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ उन लोगों के लिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब पिगमेंटेशन है, साथ ही साथ उनके स्किन का जो कलर है ना, वो बहुत ही डल है, और वो चाहते हैं कि पिगमेंटेशन तो उनकी दूर हो, साथ ही साथ उनकी स्किन जो है वो भी फेयर हो। तो स्किन तो जो दे दिया भगवान ने, जो रंग दे दिया, वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता, बट हाँ वो जो है डल हो जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं ना कि जो डस्ट है डायरेक्टली अगर हमारी स्किन में जाती है, और तो हमारी स्किन को जो है वो एकदम डल और बेकार कर देती है, जिससे हमारी स्किन में ब्लैकनेस आ जाती है। और हम जो है बचपन में हमारी स्किन कितनी अच्छी होती है, क्योंकि कोई डर्ट पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल सेफ रखती है हमारी मम्मा में। बट धीरे धीरे जैसे हम बाहर धूप में आना जाना करते हैं शुरू, और डस्ट के साथ हमारा जो है कॉन्टेक्ट हो जाता है हमारी स्किन का, तो फिर इससे क्या होता है, हमारी स्किन धीरे 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 डल होती जाती है। बचपन में होते ना कई फेयर होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी स्किन डल हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हम जो है अपनी स्किन का जो है प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। तो आज मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ इस सीरम के बारे में, जिसका नाम है ग्लूटालाइट स्किन वाइटनिंग सीरम। ये सीरम जो है आपकी स्किन को फेयर करेगा, साथ ही साथ आपकी जो है पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां, उनको आपकी स्किन से हटाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें ग्लूटाथियोन है 2%, विटामिन सी है जो कि आपको पता है फेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और कोजिक एसिड है। तो ये जो आपके डार्क स्पॉट्स, कई बार क्या होता है ना स्किन में डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा ब्राउन कलर के जो धब्बे होते हैं छोटे छोटे, या फिर ब्लैक कलर के, तो उनको बोलते हैं डार्क स्पॉट्स। ये जो है आपकी रिमूव करेगा ब्लेमिशेस को, और साथ ही साथ रिंकल्स, अगर आपके एजिंग साइंस आपके स्किन में दिखने लगे तो ये उसको भी रिमूव करेगा, और आपकी स्किन इससे हो जाती है काफी ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट। जो जैसे विंटर आ रहा है, विंटर में हमें चाहिए कि हमारी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ रहे, तो उसके लिए सीरम बहुत ही बेस्ट है। ये सीरम जो है मैं एटलीस्ट 10 to 12 days हो गए होंगे यूज करती आ रही हूँ, और तो ये भी हेल्थ वीट का है। हेल्थ वीट के मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया, काफी अच्छे होते हैं, तो उन्हीं में से ये प्रोडक्ट भी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके बारे में। तो ये सीरम है इस तरीके की, ये ग्लास बॉटल में आता है, और इसके ऊपर जो है ड्रॉपर है। इजीली ये सीरम आजकल आपको पता है जैसे हमारे बालों के लिए सीरम बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है ना, वैसे ही स्किन के लिए सीरम जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। आप मेकअप से पहले भी इसको लगा सकते हैं। तो ये सीरम जो है ना आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना है। तो इस तरीके की क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, बाहर की जो है कार्डबोर्ड पैकेजिंग इस तरीके की होती है, और अंदर इस तरीके की ये शीशी में आता है, ड्रॉपर बना हुआ है प्रॉपरली। तो इस तरीके से आप इसको जो है ये देख सकते हैं, आराम से आपको जिस क्वांटिटी में चाहिए आप उसको निकाल सकते हैं। तो 2 से 3 बूंदें जो है आप इसकी अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में जो है अप्लाई कर लीजिए, और इसको 2 बार कीजिए। आप मॉर्निंग में कीजिए और नाइट में कीजिए। नाइट में करना बिल्कुल नहीं भूलना है, 2 टाइम इसको करना ही करना है, और रिजल्ट जो है एकदम इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी चीजें जो है वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो कम से कम आपको सब्र रखना है, 1 हफ्ता तक आप जो है रेगुलर इसको अप्लाई कीजिए, फिर आपको फर्क नजर आएगा। और इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, आपने रेगुलरली अप्लाई करना है। बट जो मैं इसका असर बोल रही हूँ, एटलीस्ट 1 वीक आप अप्लाई कीजिए अपनी स्किन पे, तब आपको इसका असर दिखेगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। कि एक दिन में जो आपने देखा है ना कि वीडियो में कई लोग डालते हैं कि एक दिन में आप इतने गोरे हो जाओगे, चंद मिनटों में आप इतने गोरे हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी चीज को अगर आपको मतलब प्रॉपरली करोगे, किसी प्रॉपर तरीके से करोगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ अपने हैंड पे अप्लाई करके, क्योंकि फेस में जो है ना आपके साथ जो मतलब इंटरेक्शन होता है मेरा, बातचीत होती है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो है
तैयार होके आपके सामने आऊं, एकदम डल फेस लेके आ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको अप्लाई करा हुआ है अभी, बट जो है अभी मैं अपने हैंड पे इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। और अगर आप कहेंगे कि नहीं आप अपने फेस पे करके दिखाओ, तो अगली वीडियो में जो है जब मैं मेकअप से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसको अपने डायरेक्ट फेस पे भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो चलिए अभी के लिए मैं अपने हैंड पे इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने इसको ले लिया ड्रॉपर में, और इसका कलर आप देख सकते हैं ऐसा है। तो मैं इसको पहले शेक कर लेती हूँ, पहले जब भी इसको अप्लाई करना है उससे पहले ऐसे इस तरीके से शेक कर लेना है, और उसके बाद इसको अप्लाई करना है। तो ये देखिए मैंने इसमें ड्रॉपर में ले लिया है, और उसके बाद में इसको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से 3 से 4 बूंद जो है काफी है, और ये एक लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि आपको पता है सीरम लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मैं इस तरीके से इसको अपने हैंड पे मसाज करूंगी, और इसी तरीके से आपको अपनी स्किन पे इसको सर्कुलर मोशन में जो है मसाज करना, बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना वो काफी ज्यादा माइल्ड है, आपको कोई चुभने वाली नहीं है। जैसे होती है ना किसी को इरिटेशन हो जाती है हार्ड जो फ्रेग्रेंस होती है, तो ऐसे नहीं। और देखिए कितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब हो गया, तो आप देख सकते हैं। और इंस्टेंट तो ये रिजल्ट नहीं देता, मैं जैसे कि बता चुकी हूँ रिजल्ट देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में। और मुझे जो है काफी अच्छा लगा ये सीरम। तो इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इसकी परचेज लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए। तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए, और इसका प्राइस मैं आपको बताना भूल रही हूँ, तो मैं प्राइस बता देती हूँ पहले आपको। तो ये 900 रुपीज का है, और नायका वगैरह से जो है थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसका, बट ये एक्सपेंसिव तो है, मुझे खुद एक्सपेंसिव लगा ये प्रोडक्ट। बट जितना ये एक्सपेंसिव है ना इसका वर्क भी उतना ही अच्छा है। तो ट्रस्ट मी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी परचेज लिंक, आप वहां से इसको परचेज कीजिए, जल्दी से इसे मंगाइए और यूज कीजिए, और साथ ही साथ मेरे साथ भी अपने रिजल्ट जो है शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आज का वीडियो आई थिंक काफी लंबा हो गया है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।